नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा में मंगलवार को हुए हंगामे का असर विधान परिषद में भी दिखा। विधान परिषद में भी माहौल काफी गर्म रहा। पक्ष और विपक्ष के MLC एक दूसरे से भिड़ गए। हाथापाई की नौबत आ गई। ये हंगामा उस वक्त हुआ जब सदन में नीतीश कुमार बोल रहे थे। विधान परिषद में RJD के MLC विधायकों की पिटाई का विरोध कर रहे थे। हाथ में काला रिबन भी बांध रखे थे। सदन की कार्यवाही के दौरान RJD के MLC सुबोध रॉय बीच में खड़े होकर बोलने लगे और उन्होंने कहा कि विधायकों को पीटा गया। सुबोध रॉय का विरोध देख JDU के MLC नीरज कुमार और संजय सिंह भी खड़े होकर इस बात का विरोध करने लगे कि RJD MLC शब्दों की मर्यादा भूल रहे हैं। दोनों तरफ से बहस होने लगी। माहौल बेहद गर्म हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खड़े होकर बोलने लगे। इस दौरान मुख्यमंत्री काफी आक्रोशित दिखे। CM ने कहा कि विपक्ष के विधायक विधानसभा में गुंडागर्दी किए, वो लोग याद करें कि क्या हुआ था। जनता भी देखी है, विपक्षियों को जनता भी ठीक से जवाब देगी। आग बबूला नीतीश ने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि वो भी RJD के चक्कर में पड़कर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। सदन में इस हंगामे के दौरान CM नीतीश ने कहा कि जनता गुंडागर्दी का ठीक से जवाब देगी। आज बोल रहे हैं कि पुलिस वाले आए, तो स्पीकर साहब के हाथ में है पूरी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, वो कोई भी सेवा ले सकते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो कुछ भी किया वहां पर आज तक, क्या कोई विधान स्पीकर के चैम्बर के बाहर इस तरह से कभी कोई किया? आज तक बंधक बना दिया और वो एक मीटिंग बुलाए थे, उस मीटिंग में भी एक एक बात कही गई, वो बंधक बना दिए गए और उनका जो आसन है विधानसभा के अंदर उसके साथ किस प्रकार से किया गया व्यवहार और कितनी जगह जितने प्रोसीडिंग्स को जो नोट करते हैं उसकी उसको किस तरह से हटाया गया, तोड़ा गया, पेपर वेट फेंका गया, किस प्रकार से लोगों पर फेंका गया। यहां तक कि लोग कह रहे हैं कि बहुत चीजों को फेंका गया, तो ये सब तो गतिविधियां विचित्र है। ऐसी गतिविधि तो आज तक कभी नहीं हुई है, इसलिए ये तो उन लोगों को सोचना है। लेकिन कुल मिलाकर के सब चीज को देखते हुए, बर्दाश्त करते हुए, सब कुछ पूरी की पूरी गतिविधियां आगे बढ़ी हैं और जो विधेयक को लाना था वो विधेयक आया है और पारित हुआ। वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को हुई घटना के बाद तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि विपक्ष का कोई भी विधायक सदन में नहीं जाएगा। तेजस्वी ने प्रतिज्ञा ली है कि नीतीश कुमार ने माफी नहीं मांगी तो वो बिहार विधानसभा में 5 साल तक कदम नहीं रखेंगे। विधायकों के साथ हाथापाई के बाद आक्रोश में आकर उन्होंने नीतीश कुमार पर हल्ला बोलते हुए ये ऐलान कर डाला। विपक्षी विधायकों को लात घूंसे, महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीर हरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूंसे, माँ बहन की गालियां दे करके जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में कि विधायकों को जिस प्रकार से पीटा गया, माँ बहन की गाली दी गई। पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू-थू कर रहा है। इन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं अगले साल तक, 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। आपको बता दें कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक का मंगलवार को विपक्ष ने सदन में जमकर विरोध किया। इस विधेयक को लेकर सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ। विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही महिला विधायक विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच गई। हंगामे को देखते हुए महिला पुलिस बुलाकर विधायकों को बाहर किया गया। इस दौरान विपक्षी विधायकों के साथ मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।